सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोग्यमोक्षम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ सत्संग है। कल भगवान कपिल जी अपनी मां देवहूति को, विवेकी पुरुष को प्रकृति और मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं और आज अपनी मां को भगवान कपिल जी कहते हैं कि माता जी, मैं आपको उस परमात्मा को पाने के लिए साधक को, जीव को किस मार्ग से चलना चाहिए, किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो जो अष्टांग योग की महिमा, अष्टांग योग की विधि जो हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने, पतंजलि ने, इन्होंने जो कहा है, उसके अनुसार मैं आपको अष्टांग योग की विधि, उस विधि को मैं आपको सुनाता हूं और उस विधि को सुनकर आपको क्या करना है, साधक को क्या करना है, उसका प्रतिपादन भगवान कपिल करते हैं। कहते हैं, माताजी, अब मैं तुम्हें सबीज ध्यान स्वरूप के अवलंब से युक्त योग का लक्षण बताता हूं, जिसके द्वारा
चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र शास्त्र विहित यथाविहित शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना। मेरे भाई बहन, भगवान कपिल मां को समझा रहे हैं कि मैया, आदमी को शास्त्र सम्मत आचरण करना चाहिए। शास्त्र हमें क्या आचरण करने की आज्ञा देता है, क्या त्यागने की आज्ञा देता है, क्या ग्रहण करने की आज्ञा देता है। सदा आदमी को, जीव को संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। आज जो हमारे देश पर ये कोरोना की जो विपत्ति आई है, आज ये है कपिल भगवान का ज्ञान हमको बहुत संबल देगा। मेरे भाई बहन, कपिल भगवान कहते हैं कि जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना। तो आज हमारे देश पर ये विपत्ति आई है, तो सभी भाई बहनों से मेरा ये निवेदन है कि जितना भी हो, जैसा भी हो, वैसा हम हमारे घर में थोड़े दिन के लिए गुजारा कर ले। जीवन चलाने के लिए तो बहुत सादा जीवन है, दाल रोटी से भी जीवन चल सकता है, लेकिन हमारी इच्छा और वासना और जीव की स्वादिष्टता के लिए हम नाना प्रकार के भोजन करते थे। ठीक है, करना भी चाहिए, लेकिन आज हम इतने दुखी न हो और संतुष्ट रहना हम इस कपिल भगवान के ज्ञान से सीखे। कपिल भगवान कहते हैं कि मैया, यदि उस आत्मज्ञान को पाना है तो किसी आत्मज्ञानी के चरणों की पूजा करनी चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए। मेरे भाई बहन, इस मार्ग में सदगुरु के अलावा ये अध्यात्म ज्ञान को उनकी पूजा किए बिना, उनको वंदन किए बिना, उनकी सेवा किए बिना जीव इस आत्मज्ञान को पा नहीं सकता। इसलिए जो ज्ञानी जन है, जो भक्तिवान महापुरुष है, जिन्होंने परमात्मा का दीदार किया है, साक्षात्कार किया है, जो सदा परमात्मा में रत रहता है, उनकी भक्ति में ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठकर माताजी ये सीखा जा सकता है, और उनकी कृपा से उस जीव को, उस साधक को ज्ञान हो सकता है। विषय वासना को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना है, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना है, पवित्र और परिमित भोजन करना है, मनुष्य को सदा ये ध्यान रखे कि हम सदा पवित्र भोजन करें, जो हमारे शास्त्र सम्मत भोजन है, जो हमारे शास्त्र जिसको विरोध करते हैं, ऐसा सेवन, ऐसा भोजन हम न करें। यदि अपवित्र भोजन जीव करता है तो उसकी मन की अपवित्रता नष्ट होती है, और उसकी जो मन की वृत्तियां है वो राक्षस वृत्ति होती है, एक तामसी वृत्ति होती है। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं कि पवित्र भोजन हो, परमित पवित्र भी हो, साधा भोजन हो। महात्मा गांधी ने कहा कि सादा जीवन उच्च विचार, बने हमारा हृदय उदार। इसलिए महात्मा गांधी ने जो इसको संबोधित करते हुए कहा कि ओ
महात्मा गांधी ने संबोधित करते हुए कहा है कि शास्त्र मनुष्य को साधा जीवन उच्च विचार बने हमारा हृदय उदार। जब आदमी का जीवन साधा हो, सरल हो, पवित्र हो, खान पान शुद्ध हो, और भगवान कहते हैं कि निरंतर एकांत का निवास और निर्भय स्थान में रहना साधक को एकांतवास हो। अभी भगवान की कृपा है कि हम अपने अपने घर में लॉकडाउन में है, अब एकांत है हमारे लिए। तो सदा आज तो लॉकडाउन है, लेकिन आपसे मैं गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि हर रोज हम सुबह जल्दी उठकर एकांत का सेवन करें, एकांत में रहना सीखे, सुबह सुबह एक डेढ़ घंटे दो घंटे, और ये एकांत का वास हमको निर्भयता लाए। और निर्भय स्थान में जहां कोई वैर भाव न हो, ऐसे स्थान में हम हमारे घर को भी निर्भय स्थान बना सकते हैं, जहां हमारा पूजा का घर हो। हे मैया, मन वाणी और शरीर से किसी जीव को सताना नहीं चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, चोरी न करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करें, ब्रह्मचारी का पालन करना, तपस्या करना, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना, अपने धर्म के लिए स्वधर्म, अपने धर्म में डटे रहना चाहिए और अपने धर्म के लिए अपन कष्ट सहन करें। बाहर भीतर की पवित्रता रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, बाहर भीतर से पवित्र। कहते हैं रोहिदास महाराज ने कहा है, अरे मन चंगा तो कठोट में गंगा। तो मेरे भाई बहन, बाहर भीतर की पवित्रता होनी चाहिए साधक की, बाहर से भी वो पवित्र रहे, भीतर से भी पवित्र रहे। जब वो बाहर से पवित्र रहना सीखेगा तो वो बाहर की पवित्रता के कारण उसके मन पर उसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए उसका मन भी धीरे धीरे पवित्र होते जाता है। लोग कहीं लोग कहते हैं, अरे अरे क्या करना है, कपड़े धोना नहीं है, नहीं करना गंधेले गुंचेले कपड़े पहनना, नहीं, नहीं। यदि हम ऐसे कपड़े पहनेंगे तो उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा, इसलिए हमारा मन भी, हम भीतर से भी पवित्र नहीं रह सकते। इसलिए गीता जी में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मेरा भक्त जो है बाहर और भीतर से पवित्र होता है, इसलिए बाहर और भीतर के पवित्रता हमको रखनी है, शास्त्र का हमको अध्ययन करना है। मेरे भाई बहन, अब हम हमारे घर में रह रहे हैं, बाद में ही हमारे घर में ही रहते, लेकिन काम काज के अलावा, लेकिन हमारे जीवन में ये हम नियम बना ले कि सुबह से हम उठकर, जो कपिल भगवान अपनी माँ को उपदेश दे रहे हैं, केवल भगवान अपनी माँ को ही उपदेश नहीं दे रहे, ये आप और हम सबको दे रहे हैं, क्योंकि हमारी सबकी आत्मा एक है और हम सबको हमारी आत्मा को परमात्मा से मिला ला। इसके कारण हमको बाहर भीतर की पवित्रता रखनी है। नित्य ध्यान धारणा समाधि पूजन पाठ अर्चन वंदन स्वाध्याय, स्वाध्याय करने से हमको उस परमात्मा की महिमा का ज्ञान होता है, पता चलता है। भगवान का पूजन करना है, भगवान का हम पूजन करें, वाणी का संयम करें, जितना हो सके उतना ही बोले, और बोले तो वो सत्य बोले, असत्य भाषण न करे। ये तो हम सब कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि ये साधु ही करे, ये तो हम सब लोग कर सकते हैं। तो वाणी का संयम हो, उत्तम आसनों का अभ्यास करके, जितने हमको उत्तम आसन आ जाए हमारे शरीर के अनुसार, ऐसे तो
84 आसन कहा है योग के प्राणालय में, लेकिन सबकी बस की बात भी नहीं है कि वो 84 आसन कर ले, लेकिन जो मुख्य मुख्य आसन है जिससे जिस आसनों से हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत होने में मदद मिलती है ऐसे आसन हम करें और अभ्यास करके पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणों को के द्वारा श्वास को जीतना। जब हम शांत चित से बैठेंगे आसन लगाकर, यदि पद्मासन लग जाए तो पद्मासन लगा ले, और हमारे इंद्रियों का हम सब ओर से खींचकर हमारे मन को विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाए। ये सुनने में भी अच्छा है, करने में भी अच्छा है, लेकिन इसके लिए मेरे भाई बहन थोड़ा अभ्यास करना है। भगवान ने कहा अभ्यास योग युक्तेन तु कौन्तेय, हे कौन्तेय तू अभ्यास कर। इस प्रकार हम रोज यदि अभ्यास करते हैं तो हे मैया, हे माताजी, हमारा चित्त, हमारा मन स्थिर होने में हमको मदद करता है। मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन को सहित प्राणों को स्थित करना, किसी एक केंद्र पर हमारे मन को केंद्रित करने का अनुमोदन कर रहे हैं कपिल भगवान कि हमारे प्राणों को स्थित करें। जो मूलाधार में हमारी युग युग से जो कुंडलिनी शक्ति सोई है, किसी ने, योगी ने उसको कुंडलिनी शक्ति कहा, भक्त ने उसको राधा कहा, भक्त ने सीता कहा, भवानी कहा, वो जो शक्ति है वो आप और हमारे भीतर मूलाधार में स्थित है, इसलिए हमारे प्राणों को वहां स्थिर करें और निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन करें, मनन करें, भगवान के लीलाओं का सदा सर्वदा साधक को चिंतन करना चाहिए। और जब चिंतन करते करते भगवान में मन समाहित हो जाता है, इसलिए इससे तथा व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीत कर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गामी दुष्ट चित्त को धीरे 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 परमात्मा में एकाग्र करें। यतो यतो निश्चरति, हे अर्जुन, जहां जहां आपका मन जाता है उस मन को धीरे धीरे परमात्मा के ध्यान में लगा लगा। ये बात जरूर है कि मन हमारा बड़ा बदमाश है, लेकिन यदि बदमाश को बदमाश करके छोड़ा जाए तो वो और ज्यादा बदमाश होगा, लेकिन यदि उसको प्रेम से पुचकारा जाए, प्रेम से उसको यदि कुछ लालच दी जाए तो वास्तव में वो मन अपना हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं हे माताजी, धीरे धीरे परमात्मा में लगाए, मेरे ध्यान में लगाए, पहले आसनों के को जीते। अष्टांग योग में प्रथम योगियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि यदि किसी संत का, किसी साधु का, किसी भक्त का 3 घंटे पद्मासन यदि वो लग जाता है तो 3 घंटे पद्मासन वो सिद्ध माना जाता है, और वो पद्मासन हमको कुंडलिनी जागृत होने में मदद करता है। इसलिए वो आसन की सिद्धि भी, पहले हम आसन को जीते, स्थिर बैठकर, जैसे कोई कांट का लकड़ा खड़ा कर दिया हो इस प्रकार, और सीधे बैठने का मतलब है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी हो,
तो मूलाधार में जो सोई हुई शक्ति है उसको जागृत होने में आसानी होती है। फिर हम प्राणायाम का अभ्यास के लिए पवित्र देश में प्राणायाम करें, पवित्र जगह हम आसन बिछाकर, न कोई ज्यादा ऊंचा हो न कोई नीचा हो, कुशा का आसन हो अथवा तो मृगचर्म हो, लेकिन आज वो संभव नहीं, लेकिन कंबल जो होता है ज्यादा करके, जो गार्डर मेंढिया जो होती है, मेंढियों के बाल से जो बना हुआ कंबल है, वो कंबल हमको ध्यान में अति लाभकारी होता है। तो हम उसका आसन करें, उसका आसन लेके हम बिछा के सीधे बैठे, शरीर को सीधा रखकर, स्थिर रखकर, और या तो हम मूलाधार केंद्र में ध्यान केंद्रित करें अथवा तो भ्रुकुटि के बीच में जहां पर हम तिलक लगाते हैं, वहां पर हमारी दोनों आंखें की भौंहें हम स्थिर करें और परमात्मा का चिंतन करते हुए, सुमिरन करते हुए, हम परमात्मा का से भीतर ही भीतर उनसे प्यार करते हुए, उस प्रभु के नाम को प्यार करते हुए एकाग्र चित्त से हम ध्यान करें। फिर आरंभ में हम प्राणायाम करें, जिसको शास्त्र रेचक, पूरक और कुंभक कहते हैं। फिर उसको रेचक, पूरक, कुंभक करके बाहर से खींचे, फिर भीतर रोके और फिर बाहर छोड़े, फिर पुनः बाहर से ले, फिर भीतर रोके, फिर बाहर छोड़े। तो इस प्रकार से जितना हो सके 10 मिनट 15 मिनट ये प्राणायाम हम करें। प्राणायाम करने से हमारी शरीर की शुद्धि होगी, हमारी नाड़ियों की शुद्धि होगी, और ये रेचक, पूरक, कुंभक, ये प्राणायाम करने के बाद हमारा एक मन हल्का हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है। इसको प्राणायाम करने से चित्त की स्थिरता होती है, और फिर सीधे आसन पर प्राणायाम होने के बाद हे कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी, फिर जो है साधक को 11 बार ओम का गुंजन करना चाहिए। ओम का गुंजन करते हुए पूरे जितना भी हमसे श्वास लिया जाए, उतना श्वास हम मूलाधार से सस्रार तक जाए, ऐसा हमको संधान करना है, अनुभव करना है कि मेरी वो कुंडलिनी शक्ति और श्री राधा, श्री सीता वो ऊपर की ओर जा रही है। और इस प्रकार 11 बार ओम का गुंजन करें। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं। इस प्रकार कम से कम हम 11 बार ओम का गुंजन करें, और ओम का गुंजन करने के बाद हमारी मन की बहुत शीघ्रता से शुद्धि होगी और मन को एकाग्रता में मदद मिलेगी। जब इस बार एक 11 बार ओम का गुंजन कर ले और फिर हम सीधे सरल सावधानी में बैठकर हम भगवान के नाम का, जो हमारा गुरु मंत्र होगा, चाहे जिसका जो गुरु मंत्र हो, उस गुरु मंत्र का हम जाप करें, और जाप करते करते हम ध्यान करें, जप करते करते,
तो मन को एकाग्र होने में सहज मदद मिलेगी। और ज्यादा ही मन यदि आपका चंचल होता जप करते समय, कि हम जप तो कर रहे हैं महाराज लेकिन हमारा मन कहीं और जाता है, तो अष्टांग योग की विधि में कपिल भगवान एक और कहते हैं कि हे माताजी, यदि ज्यादा मन चंचल हो, बाहर भाग रहा हो, तो उसको एकाग्र करने के लिए किस प्रकार से उसको शांत किया जाए। तो हाथ में तो हमारी जप माला हो, जीभ में भगवान का नाम हो, और मन को एकाग्र करने की मैं एक छोटी सी आपको एक विधि कहता हूं जो भगवान ने कही है, हमारे ऋषि मुनियों ने कही है, इसका आप अनुभव करके देखिए तो मन शांत होगा। जैसे अब जो है मैं बोल नहीं रहा हूं, अब बंद है, जैसे मुंह को बंद कर ले, होठ बंद हो और भीतर दोनों दांतों के बीच में एक आधा सेंटीमीटर का अंतर हो, वो पूरे बंद भी ना हो, पूरे ज्यादा खुले भी ना हो, थोड़ा सा आधा सेंटीमीटर का अंतर, बाहर से होठ बंद हो और बीच में जीभ स्थिर हो, बस ये आपको करना है। तो आप ये अभ्यास करके देखिए तो आपके मन को एकाग्र होने में बहुत मदद मिलेगी मेरे भाई बहन। तो भगवान प्राणायाम सिखाते अपने मैया को, या अष्टांग योग, तो प्राणायाम आपको करना है जिससे हमारी नाड़ियों की भी शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि होती है, आसन से हमारा शरीर सुडोल और अच्छी तरह से रहता है, मन चंचल नहीं होता है। हे माता जी, इस योग के अभ्यास से धीरे धीरे चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाता है। ये अभ्यास से हम धीरे धीरे हमारा चित्त एकाग्र होता है, निर्मल होता है, और इसीलिए भगवान ने रामायण जी में कहा कि निर्मल मन होता है, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न स्वभाव। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि मुझे पाने के लिए निर्मल मन हो, निर्मल मन हो, सरल स्वभाव सब चलेना, मम भरोस ही हर्षन दीना, सरल स्वभाव हो, मेरा ही भरोसा हो, मेरा ही चिंतन हो, इस प्रकार से चित्त एकाग्र होकर, मन चित्त एकाग्र होगा, मन निर्मल होगा। तो आज मेरे भाई बहन, आज के इसमें आज इतना ही, आप सबको, सभी दर्शकों को, सभी श्रवण करने वाले साधक भाई बहनों को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओ नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।